आइए आज बनाते हैं बाजार जैसी वेज चाउमीन और ग्रेवी मंचूरियन। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले चाउमीन को बॉईल करेंगे। उसके लिए एक बड़े से बर्तन में पानी को गर्म होने दिया है। इसी टाइम पे ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक और डालेंगे 2 चम्मच तेल। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद ही हम चाउमीन को ऐड करेंगे। ठंडे पानी में नूडल्स को नहीं डालना है, उससे नूडल्स जो है चिपचिपा सा बनता है। देखिए पानी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है, अब इसमें चाउमीन ऐड कर देंगे। आप कोई भी ब्रांड का या कोई भी मार्केट वाला चाउमीन यूज़ कर सकते हैं। नूडल्स कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओवर कुक नहीं करना है इसे। 75 से 80% तक ही इसे हमें पकाना है। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसे बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में ऐसे इसे मिला लेना है ताकि सारे नूडल्स बराबर पके। 3 से 4 मिनट बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसे छान लेंगे। तुरंत ही ऊपर से इसमें ठंडा पानी डालेंगे, इससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और ये खिले खिले ही रहते हैं। देखिए ज़रा सा भी स्टिकीनेस नहीं है। जब भी आप नूडल्स को बॉईल करें इसी तरीके से करें, आपकी भी नूडल्स ऐसे ही खिली खिली बनेगी। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम मंचूरियन तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक बर्तन में डालेंगे चॉप की हुई पत्ता गोभी, फाइनली चॉप किए हुए गाजर और कैप्सिकम। मैंने सारी चीज़ों को वेजिटेबल चॉपर से चॉप किए हैं, आपको चॉपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जाएगा इसमें फाइनली चॉप किए हुए प्याज, डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और जाएगा 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। बाजार जैसा दिखने के लिए इसमें बहुत थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रहे हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, साथ ही जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच जितना डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच जितना सोया सॉस ऐड करेंगे और डालेंगे 2 चम्मच भर के मैदा। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें सही से बाइंडिंग नहीं हो पा रहा है तो ऊपर से हम थोड़ा सा और मैदा ऐड करेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है, अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते हुए इसे तेल में डालेंगे। ये डालते वक्त तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा है। एक एक करके मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे। डालने के तुरंत बाद इसे टच नहीं करेंगे, कुछ देर तक एक साइड से इसे पकने देंगे, फिर इसे दूसरी ओर पलटेंगे। देखिए इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम बाकी बचे हुए मंचूरियन को भी फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए तेल में डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन, थोड़े से हरी मिर्च और एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे। इन्हें बस 30 से 40 सेकंड के लिए सौते करेंगे। अब जाएगा इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसालों को बस मिक्स करेंगे और इसमें 2 कप जितना पानी ऐड कर देंगे। पानी में ऐड करेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच डालेंगे रेड चिली सॉस और जाएगा इसमें 4 से 5 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे। अच्छे से सारे चीज़ों को मिलाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे बॉयल होने देंगे। कुछ देर बॉयल होने के बाद इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर का घोल। मैंने यहाँ 1/4 कप पानी में 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करके इसका पतला सा घोल बना लिया था, उसे ही हमने यहाँ ऐड कर दिया है। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, अब इसमें फ्राई किए हुए मंचूरियन को डाल देंगे। आपको मैं इस रेसिपी को वैसे ही बता रही हूँ जैसे कि मैंने स्ट्रीट वेंडर्स को बनाते हुए देखा है और यकीन मानिए इसके सामने रेस्टोरेंट्स भी फेल है। मंचूरियन को ग्रेवी में बस 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लेना है और तैयार हो गया है हमारा ग्रेवी मंचूरियन। अब फटाफट चाउमीन भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़े से कढ़ाई या वोक में ऐसे तेल को फैलाते हुए डाल देंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है, अब इसमें फाइनली चॉप किए हुए लहसुन डाल देंगे। लहसुन को बस 10-15 मिनट के लिए भुनेंगे और ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इससे भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद डालेंगे इसमें स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज को भी 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। कुछ देर तक प्याज को भूनते हुए इसमें ऐड कर देंगे बारीक स्लाइस किए हुए गाजर। गाजर को भी कुछ देर सौते करने के बाद इसमें कैप्सिकम और पत्ता गोभी ऐड करेंगे।
गैस की फ्लेम को हाई पे रखते हुए सारी चीज़ों को फ्राई करना है। इससे वेजिटेबल का क्रंच भी बना रहता है और एकदम बाजार जैसा बनता है। इन सब्जियों को भी 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे सौते करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना विनेगर। विनेगर डालने के बाद 30 से 40 सेकंड के लिए इन्हें और सौते कर लेंगे। इससे वेजिटेबल थोड़े से कुक हो जाएंगे। अब इसमें डाल देते हैं बॉयल किए हुए नूडल्स और ऊपर से डालेंगे इसमें सोया सॉस और रेड चिली सॉस। आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मिला लेंगे और ये हमारा चाउमीन बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म मंचूरियन के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे घर पर बनाएं और कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।